Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear Python student, आज हम discuss करने जा रहे हैं catch hook. इससे पहले हमने general layer, trial balance बनाया. आज special development हो चुकी है. Catch hook को start करने से पहले dear student, मैं इस तरह थोड़ा सा briefly introduction style देना चाहूँगा. कि हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन से जो है स्टार्ट किया था, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन कारोबारी लेन देन, तो बेसिकली कारोबारी लेन देन जो है टू टाइप्स की है, दो तरह के होते हैं इन्वेस्टमेंट, एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन और दूसरा क्या है कैश ट्रांजेक्शन. मतलब ये है कि कुछ कारोबार जो है कारोबारी लेन देन धन होगा और कुछ क्या होगा उधार की बुनियाद पे होगा. उधार के रिलेटेड जो होगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है उसका हमने अंदाज किया है पिछले लेक्चर में, यानी कि स्पेशल जनरल में हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने परचेज जनरल बनाया था, सेल जनरल, परचेज रिटर्न जनरल और सेल रिटर्न जनरल. देयरफॉर कैश का अच्छा वाली साइड पे अगर हम आए तो कैश यानी कि नकद लेन देन उसको अगर हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं तो पहला हिस्सा जो है वो जनरल में आ जाता है और दूसरा जो है वो कैश रूप में आ जाता है. ये जो पहला हिस्सा है इसमें हम नकद वस्तुएं और नकद अदायगियां सिर्फ नकद जो लेन देन होता है वही दर्ज करते हैं, और जबकि कैश में जो है कैश आगे जो है जिसपे इसके भी दो हिस्से हैं, एक रसीद साइड है और दूसरी क्या है पेमेंट साइड है, यानी कि वसूली वाली साइड है और दूसरी है अदायगी वाली साइड है. कैश बुक की आगे जो है वो तीन अक्षर है, सिंपल कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक और थ्री कॉलम कैश बुक. दिस कैश बुक, कैश बुक से मुराद ऐसा दर्जा जिसमें रोजाना की बुनियाद पे नकद लेन देन का अंदाज किया जाता है, नकद वसूली और अदायगियां उसमें दर्ज की जाती है. जैसा कि इसके स्पेसिफिक मैं आपको सामने पेश करता हूं, क्या लिखते हैं डेट, सिंपल कैश बुक डेट लिखते हैं, फिर इसका कॉलम पर आते हैं रसीद साइड पे जो है डेट डिस्ट्रैक्शन पोस्ट रेफरेंस का कॉलम होगा, कैश जिनके यहां पर अमाउंट दर्ज करेंगे, फिर पेमेंट वाली साइड पे फिर उसी तरह का डेट डिस्ट्रैक्शन पोस्ट रेफरेंस और कैश. जैसे सिंपल कैश बुक में तमाम वसूलियां रसीद साइड पे, तमाम वो नकद वसूली और तमाम अदायगी जो है वो पेमेंट साइड. जैसे का टोटल करेंगे जो साइड बड़ी होगी वो दोनों के दोनों साइड से रसीद साइड और पेमेंट साइड, अगर रसीद साइड साइड बड़ी है तो इधर भी वही लिख देंगे, टोटल नीचे जो है जो साइड बड़ी दोनों के नीचे आ जाएगी. अब जो साइड छोटी होगी उसका बैलेंस निकाल के आखिरी तारीख को क्या करते हैं उस साइड की छोटी वाली साइड को बैलेंस के साथ हम क्या कर देते हैं फिर कर देते हैं बैलेंस सीडी के साथ. वो क्या होता है एक के साथ जनवरी है तो लास्ट डेट जनवरी का, गलती जनवरी का होगा और फिर जून जनवरी का आगे जो है बैलेंस बीडी का होगा. टू कॉलम क्या है, वन कॉलम और टू कॉलम में, वन कॉलम यानी कि सिंपल क्या है और टू कॉलम यानी कैश के साथ डिस्काउंट का कॉलम जो है वो ऐड हो जाता है. जैसे डेट लिखते हैं डिस्ट्रैक्शन पोस्ट रेफरेंस उसी तरह, फिर इसके बाद डिस्काउंट कॉलम और फिर क्या है कैश उसी तरह पेमेंट साइड पे डेट डिस्ट्रैक्शन पोस्ट रेफरेंस डिस्काउंट और कैश. यहां पे एक कलम का ज्यादा हो जाए टू कलम कैश बुक में मैनेजमेंट वो क्या है वो है डिस्काउंट, यानी कि तमाम वसूलियां और तमाम अदायगियां उसी तरह, तमाम वसूलियां और तमाम अदायगियां उसी तरह. यहां चीज क्या है कि जो जहां से हम ले रहे होते हैं हर साल पेमेंट वसूल किया है डिस्काउंट दिया है तो रसीद साइड पे, पेमेंट पे की है अदा की है तो पेमेंट साइड पे और डिस्काउंट कॉलम में दर्ज कर देंगे. ये हमारा आज का टॉपिक है, इसके बाद हम इंशाल्लाह
Next you have three color dashboard with contrast. You have this is very all of